यूनिट थर्ड चैप्टर नाइन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लास्ट लेक्चर में प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम प्लानिंग डिस्कस कर चुके थे। इंडिया के अंदर जो एक प्लानिंग होती है, और प्लानिंग में जैसे आप कहीं पे भी किसी भी पिकनिक पे जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई एग्जाम होता है, तो उसके लिए आपकी एक प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, ऐसे ही एक कंट्री की भी एक प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग को ही प्लानिंग कमीशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था, जो प्लानिंग कमीशन 1950 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, और उसके अनुसार जो इंडियाज ने 5 ईयर प्लान अडोप्ट किए थे, तो 5 ईयर्स प्लान अडोप्ट किए थे कि इंडिया हर 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग एक टारगेट लेके चलेगा और उसमें एक इन्वेस्टमेंट करेगा और उस तरीके से उसका अचीवमेंट हासिल करेगा। और उसकी जगह फिर प्लानिंग कमीशन की जगह 1950 से लेकर जो है 2014 तक क्या चला, जो है आपका प्लानिंग कमीशन चला, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ जाता है। तो अभी जो रनिंग में है आपके यहाँ पे जो प्लानिंग करता है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक है। और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग है। और इसमें हम जो है प्लानिंग टू टाइप्स से हम डिस्कस कर चुके थे, एक सेक्टरल प्लानिंग थी और एक रीजनल, सेक्टरल प्लानिंग और एक रीजनल प्लानिंग थी। तो सेक्टरल प्लानिंग में हमने क्या किया था, सेक्टर को टारगेट किया था, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इरिगेशन हो गया, तो ये सेक्टरल प्लानिंग थी। और सेकंड जो था वो रीजनल प्लानिंग थी, सेकंड था रीजनल प्लानिंग, जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रीजन हैं, तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के रीजन, हिली एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है, जैसे उत्तर जिसको नॉर्थ प्लेन बोलते हैं, जैसे हरियाणा यूपी, और फिर प्लेटू रीजन भी है, ठीक है, और फिर जो आपका डिजर्ट रीजन भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है लैंडस्फॉर्म होने की वजह से तो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्टेट्स देखने को मिलते हैं, कल्चर डिफरेंट देखने को मिलते हैं, तो उन पे एक यूनिक पैटर्न, एक वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में के यूनिक पैटर्न और जो है डेवलपमेंट का नहीं देखने को मिलता, कहीं ना कहीं जो है ना वेरिएशन मिलते हैं, और उसी वेरिएशन को कम करने के लिए तो रीजनल जो है फैक्टर को अडॉप्ट किया गया है प्लानिंग के लिए। और इसमें हम जो हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद ड्रॉट प्रोन एरिया भी डिस्कस कर चुके थे, और एक जो एक केस स्टडी किया था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बारमोर रीजन था, तो बारमोर रीजन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ तक था, बारमोर डिस्ट्रिक्ट जो था, नेम बारमोर जो था संस्कृत के, ये कुछ यहाँ पर ये पॉइंट रहते हैं, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ बारमोर स्टार्टेड इन 1970 व्हेन गढ़ीज वर इंक्लूडेड अमोंग शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ तक हम डिस्कस किए थे, शेड्यूल ट्राइब्स में एड कर दिया गया था 1970 में। तो 1970 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गढ़ी जो है कि ट्राइब्स के नाम से उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया गया था। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1970। तो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर क्या किया गया, 1974 में बारमोर वाज डिजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत उसको लिया गया था, और इन हिमाचल प्रदेश। दिस एरिया डेवलप्ड प्लान वाज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गढ़ी। तो गढ़ीज की लाइफ ऑफ जो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना, इसमें एक पेन प्रोजेक्ट था। तो जैसे आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी कैसे इंप्रूवमेंट होती है, तो सोच के देखेंगे आपसे जो 20 ईयर्स बिफोर की बात करते हैं, आप 10 ईयर्स बिफोर की बात कर लेते हैं, तो 10 साल पहले आपके जो परिवार की जो लाइफ स्टैंडर्ड था, है ना, उसको देखेंगे, और आज जो आपके परिवार का लाइफ स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके देखेंगे, तो दोनों अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके फैमिली का जो लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ है या डिग्रेड हुआ है। तो अगर आपकी फैमिली का लाइफ स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ है तो आपकी फैमिली में क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है, और डिग्रेड हुआ तो जो है इन डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो गढ़ीज को इम्प्रूव लाइफ क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इसको कवर किया गया था।
नेम बारमोर, बारमोरा इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड ब्राह्मोर, ब्राह्मोर शब्द से निकला है ये भी, जो ड्राइव संस्कृत की लैंग्वेज से वर्ड निकाला गया है ब्राह्मोर से। इन दिस बुक ब्राह्मोर हैज बीन यूज्ड टू रिटेन द कोलिक्यूल फ्लेवर, तो कोलिक्यूल फ्लेवर्स को मेंटेन करने के लिए वर्ड्स यूज किया गया है। और यहाँ पर जो लोकेशन देखते हैं बारमोर की, तो हिमाचल प्रदेश इन ट्राइबल रीजन है जो बारमोर, तो ये यहाँ पर एक रिवर्स जो है ना ब्रह्मपुत्रा, जो आपकी एक बारमोर रीजन की जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, जब रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, तो इंडिया के अंदर रिवर्स सिस्टम के अंदर तो लोकेशन देखते हैं, तो यहाँ से एक जो है ना इंडस, इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए ऐसे जाती है, और उसी की ट्रिब्यूटरी है रावी, उसी की ट्रिब्यूटरी है रावी। तो रावी जो ट्रिब्यूटरी है वो हिमाचल प्रदेश से रोहतांग पास के नजदीक से निकलती है, तो वही रावी का ये फ्लो है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, तो रावी रिवर्स का फ्लो है इसी रीजन से होते हुए। ठीक है, तो इस रीजन में जो गड़ी ट्राइब्स पाई जाती हैं उसकी तरफ जो है ना लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग की गई थी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इससे ऊपर एक स्टेट है, चंबा ये डिस्ट्रिक्ट है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये जो रीजन है, ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से शुरू नहीं हो पाएगा, एक मिनट, तो ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, और इस चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारमोर डिस्ट्रिक्ट है ना ईस्टर्न साइड में है, कौन साइड में है, ईस्टर्न साइड में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। द नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपिंग बिटवीन बारमोर एंड अदर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिस प्लेन लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन बारमोर रीजन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर्स, पोर्टेबल वाटर होता है जो आपके जो है ना पोर्टेबल पीने योग्य जो पानी होता है उसको पोर्टेबल बोलते हैं, पोर्टेबल वर्ड होता है, पोर्टेबल होता है, यहाँ टू वर्ड्स का कंपेरिजन समझ लेंगे, एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है किसी भी वस्तु को अगर उठा सकते हैं, अगर कोई वस्तु उठाने योग्य है, उसका वजन इतना हल्का है कि आप उठा पाते हो, उसको बोलेंगे ये पोर्टेबल है। ठीक है, और पोर्टेबल में से आर मिसिंग कर दो तो क्या बन जाएगा, पोर्टेबल, क्या बन जाएगा, पोर्टेबल, और पोर्टेबल होता है पीने योग्य। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट द विलेज लोकेट अलोंग द रिवर रवि रावी इन होली एंड कानी एरिया आर द मेन, तो रावी रिवर्स का ये मेन एरिया नजर आता है, ये यहाँ पे शो करता है हमको। बेनिफिशरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द रिमोट विलेज इन टुंडा एंड कुगती एरिया स्टिल डू नॉट हैव सुफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। द सोशल बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम ITDP इंक्लूड्स ट्रमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, तो एक लिटरेसी रेट देखने को ज्यादा मिला, लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लगे। इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो जो है, डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हो गई। ठीक है, द फीमेल लिटरेसी रेट इन द रीजन इंक्रीज फ्रॉम 1.82% इन 1971 टू 65% इन 2000, तो यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल को एजुकेशन दिया गया, तो जहां पर 1.88% जो 1971 में थी, जहां से प्रोजेक्ट शुरू किया था 5 ईयर प्लान के अंदर कि भाई बारमोर रीजन को डेवलपमेंट करना है, लाइफ स्टैंडर्ड अचीवमेंट कराना है, तो वहां से एजुकेशन, फीमेल का एजुकेशन 65% चला गया, कब तक, 2011 तक, तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें 65 लिटरेसी रेट पाया गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन लिटरेसी लेवल, जेंडर इनइक्वलिटी हैज ऑल्सो डिक्लाइंड, तो जेंडर इनइक्वलिटी जो होती है ना, इक्वलिटी होती है कि दोनों बराबर होते हैं, इनइक्वलिटी होती है कि बराबर, एक ज्यादा अचीवमेंट होती है, कम अचीवमेंट होती है, उसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इनइक्वलिटी जो जेंडर इनइक्वलिटी थी कि भाई महिलाएं नहीं स्कूल में जाएंगी, पुरुष जाएंगे, तो वो इनइक्वलिटी यहाँ पर काफी कम हुई है। गड़ीज हैज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पेस्टर, जो पेस्टर इकोनॉमी हैविंग एम्फेसिस ऑन फूड ग्रेन्स एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, बट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स
ऑफ 20th सेंचुरी द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज इन बारमोर रीजन। तो बारमोर रीजन वैसे कि हिली एरिया टाइप से था, तो वहां पर जो आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है वो पेस्टोरल एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, चरागाह टाइप से, जैसे पशुओं को चरा के लेके आए, भेड़ बकरी रख लिया, उसको चरा के ले आए, उससे ऊन ले लिया या दूध ले लिया, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, अदर्स क्रॉप्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया, जो कैश क्रॉप्स होते हैं, जिसे पैसा बनाया जाता है, एक बिजनेस क्रॉप्स बोलते हैं जिसको। जैसे एक राइस है, तो राइस कैसी क्रॉप है, गेहूं है जो कैसी है, एक जो है कैश क्रॉप में भी आती है, जैसे सुगर केन है, तो सुगर केन कैश क्रॉप में कॉटन है, ठीक है। इंक्रीज इन बारमोर रीजन बट द क्रॉप कल्टिवेशन इज स्टिल डन विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। द डिक्लाइनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ पेस्टोरिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी गेज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमेंस, बट द गड़ीज आर स्टिल वेरी मोबाइल एज ए सन ऑफ देम माइग्रेट टू कांगड़ा कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरिया ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग फ्रॉम वेजेस लेबर्स। तो यहाँ पर जब जो काफी मूवमेंट देखने को मिलता है, माइग्रेशन देखने को मिलता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, लोग क्या करते हैं अपनी जो जीवन चलाने के लिए, जो रेमुनरेशन होती है, जो इनकम जनरेट करने के लिए प्लेस को चेंज करते रहते हैं, तो वो 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड जो है, गड़ीज आर स्टिल वेरी मोबाइल, ठीक है, एज सीजेबल सेक्शन ऑफ द देन माइग्रेट टू कांगड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? जिसको हिंदी में सतत विकास बोलते हैं, मतलब एक ऐसा विकास जो कंटिन्यू चलता रहे, जो कंटिन्यू चलता रहे और जो आने वाले टाइम तक भी चलता रहे। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे भाई, जैसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, तो पावर थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, उसमें कोयल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, तो अपने घर को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी ना, जब पुराने टाइम की बात करते हैं, तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी आज तक जो है ना, लगभग 24 आवर्स अवेलेबल हो पाती थी, ठीक है। और जो या 24 से भी 24 आवर्स ले लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती थी, तो आपके परिवार की जो कंजप्शन पावर थी, वो जो मान लेते हैं कि वो आपके परिवार की कंजप्शन पावर 200 यूनिट्स पर मंथ थी। लेकिन अब डे बाय डे आप देख रहे हैं कि भाई आप डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, आपके परिवार में डिफरेंट टाइप्स के यूजेज जो है प्रोडक्ट आ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जैसे आपके मोबाइल पर, जिससे आप अभी पढ़ भी रहे हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी मांगता है भाई, इसको चार्ज होने में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ऐसे ही आपके परिवार में प्रोडक्ट कंपेरिजन करके देखेंगे कि 10 साल पहले आपके परिवार में कितने प्रोडक्ट थे, और 10 साल बाद भी आपके परिवार में कितने प्रोडक्ट हैं, और 10 साल के बाद आपके परिवार में कितने प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। जैसे कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन आ जाएगा, टीवी पर्सनल हो जाएगा, हर रूम में आपका एक टीवी होगा, और फिर आपका एक पर्सनल मोबाइल तो है ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़नी है, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी तो बढ़नी है। अब आपका पहले एक परिवार हुआ करता था, अब उससे दो चाचा थे, ताऊ थे, वो अलग हो गए, उन्होंने अपना टीवी अपना प्रोडक्ट अलग से लेना शुरू कर दिया, तो एक परिवार से दो परिवार हो चुके हैं। तो एक पॉइंट नोट करेंगे कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होने वाली है, बढ़ने वाली। तो ये 200 यूनिट से काम नहीं चलेगा, उसी परिवार का अब 600 यूनिट से डिमांड पूरा करना पड़ेगा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अगर वही हम कोयल से फिल करेंगे, तो कोयल से फिल करेंगे तो वो कोयल तो फिनिश हो चुके हैं रिसोर्स के तौर पर जो हमारे हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी पहले से ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी और कम बनाएंगे, तो आपको हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो यहाँ पर ये कहता है कि ऐसे रिसोर्स को अडॉप्ट करो जो कंटिन्यू चलता रहे। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अब हमने कोयले को, थर्मल पावर प्लांट को कैंसिल करके क्या ले आए, सोलर पैनल ले आए। तो सोलर पैनल जो है सन इंसुलेशन की हीट लेके आप तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देता है। अब जो ये इंसुलेशन है, जो आप इसे लास्ट लेक्चर में आप मिनरल्स पढ़े थे, तो उसमें आप अच्छे तरीके से डिस्कस भी किए थे जो सोलर एनर्जी को कैसे जो कन्वर्ट किया जाता है इंसुलेशन से। तो अब इससे दो बेनिफिट होंगे। अब एक बेनिफिट क्या होगा कि आने वाली जनरेशन है ना, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो चाहे 2000 यूनिट्स की डिमांड कर दे, यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी की, तो भी उनको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिल जाएगी। और सेकंड क्या है कि एनवायरनमेंट, यहाँ देखो
तो जब कोयल को बर्न कर रहे थे तो उससे ऐश निकल रहा था, जिससे सोयल जो है सोयल की फर्टिलिटी को नुकसान हो रहा था। फिर थर्मल पावर प्लांट से क्या हो रहा था भाई, जो है धुआं निकल रहा था और फिर ये हीट भी तो जनरेट कर रहा था। तो इस तरीके से एनवायरमेंट को भी नुकसान था और आने वाली जनरेशन का भी फुलफिलमेंट नहीं होता था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा एग्जांपल क्या है कि आप थर्मल पावर प्लांट को छोड़ के किस पे चले जा रहे हैं, सोलर पैनल पे जा रहे हैं। तो सोलर पैनल इसके मुकाबले में आपको रिसोर्स देने के मामले कैसे बेनिफिट है कि एक तो आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद है और एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद। तो ये टू टाइप्स के कीवर्ड्स याद रखेंगे, जनरेशन की फुलफिलमेंट और एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाता। The term development is generally used to describe the state of a particular society and the process of changes experienced by them during a fairly large period of human history. The state of society has largely been determined by the interaction processes between human societies and their biophysical environment. The process of human environment interaction depends upon the level of technology institutions nurtured by a society. While the technology and institution have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generating in return has accelerated technology progress and transformation and creation institution. Hence, development is a multidimensional concept that signify the positive irreversible transformation of the economy, society and environment. तो जो एक डेवलपमेंट है वो एक मल्टी डिमेंशनल कंसेप्ट है, जिसमें मैंने बताया आपके परिवार का जो अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है कि भाई जैसे आपके परिवार को सैलरी, अगर आपके परिवार में आपके पापा जी सैलरी पर्सन है तो उनको अगर ज्यादा सैलरी मिलने लग जाए तो वो क्या होंगे, आपको कहीं ना कहीं पिकनिक पे लेके जाएंगे तो जहाँ, या कहीं पर घूमने फिरने जाएंगे तो आप जो अचीवमेंट अभी तक नहीं ले रहे थे या जो एंटाइटलमेंट आपकी अभी तक इंक्रीज नहीं हो रही थी, या एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे अब आप गोवा कभी नहीं गए हैं लेकिन आप गोवा जाने के लिए हवाई यात्रा से नहीं जा सकते क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन आपके पापा की सैलरी अगर बढ़ जाती है तो आपके पापा आपको हवाई यात्रा से बाई एयर भी लेके जा सकते हैं। तो एक प्रकार से आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग होगी, तो वो एक अपग्रेडेशन हुई है और वो अपग्रेडेशन क्या कहलाएगी, डेवलपमेंट कहलाएगी कि भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो गई है। या किसी घर में अभी तक साइकिल है और मोटरसाइकिल नहीं है तो वो मोटरसाइकिल लेना चाहेगा तो उसके लिए मोटरसाइकिल डेवलपमेंट होगी, और जिसके यहाँ मोटरसाइकिल है वो कार लेना चाहेगा तो उसके लिए मोटरसाइकिल से कार पे जाना डेवलपमेंट होगा, ना कि कार से मोटरसाइकिल पे आना। ठीक है, तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो एक मेजर डिफेंशनल कंसेप्ट है। The concept of development is dynamic and has evolved during the second half of the 20th century. तो second half of the 20th century के अंदर ये देखने को मिला development की जब हम बात करते हैं। In post-war World War second era, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो उसके बाद देखने को मिलता है। Of development was synonymous to economic growth, which is measured in term of temporal increase in gross national product GNP as per capita income, per capita consumption. But even the countries have high economic growth experience speedy rise in poverty because of its unequal distribution. So in 1970 the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development. तो भाई जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट के मामले में मैंने अभी क्या बताया, मान लो आपके पापा की सैलरी बढ़ रही है तो आपका डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन आपके पड़ोस में है उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, वो सुख सुविधाएं नहीं ले रहे हैं जो आप सुख सुविधाएं ले रहे हैं। तो ऐसे ही देखा गया कि आने वाले टाइम में कि भाई कुछ हमसे क्या हो चुका है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो डेवलपमेंट में एक कंसेप्ट ऐड किया गया कि भाई ऐसा नहीं कि एक परिवार तो बढ़ते बढ़ते चला जाए, दूसरा परिवार यहीं रह जाए, तो उस दूसरे परिवार को भी साथ में उठा के चलना कहीं तक। वो जब कंसेप्ट लिया गया तो उस कंसेप्ट में क्या देखा गया, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, गरीबी को खत्म करना है। तो वो उस कंसेप्ट को देखते हुए 1972 में जो फ्रेजेज यूज किए गए कौन कौन से, रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड इक्विटी। तो डेवलपमेंट ग्रोथ भी हो लेकिन विद क्या हो, इक्विटी। तो जैसे अब किसान ने तो गेहूं उगा लिया, तो किसान ने जब गेहूं उगा लिया तो वो तो खाना खा लेगा, लेकिन जो गरीब है उसको गेहूं कहाँ से मिलेगा। तो सरकार ने क्या कहा, हम आपको 2 रुपए किलो गेहूं दे देंगे,
ठीक है ना। तो जो ये गेहूं दिया जाना, अब एक प्रकार से एक बंदे को, इसको तो गेहूं खुद से मिल गया और इसको सरकार ने दे दिया, तो इस तरीके से डेवलपमेंट अनइक्वलिटी ना रहे, क्योंकि इसके पास रिसोर्स नहीं है, इसके पास खेत नहीं है, ठीक है, और ये कमाने लायक जो है इसको रोजगार भी नहीं मिल रहा। अब गवर्नमेंट में कहते हैं ना, गवर्नमेंट में रोजगार नहीं दे रही, अब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, तो फिर उसको कहते हैं कि भाई आप लेबर भी नहीं कर पा रहे, तो आपको हम क्या करते हैं, अनाज सस्ते रेट पे दे देते हैं। तो ये होता है अनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है। Growth and equity were incorporated in the definition of development. While dealing with the question related to redistribution and equity, it was realized the issues such as improving the issues such as it also includes the issues such as improving the well-being and living standard of people, availing of the health, education and equity, jo hai, equality of opportunity and ensuring political and civil rights. To jo development hai usme sabhi ko स्कूलिंग मिले, सभी को हेल्थ अच्छी मिले, एजुकेशन अच्छा मिले, और जो है अपॉर्चुनिटी काम करने की अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, तो और जो सिविल राइट्स भी को जो है ना, आपके राइट्स इक्वल डेवलपमेंट है। 1980 डेवलपमेंट अमर्ज्ड एज कंसर्न इन सोशल एज वेल एज मेटीरियल वेलबींग ऑफ द ऑल इन ए सोसाइटी। The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issue in the late 1960s in Western world. It reflects the concern of people about undesirable effects of industrial development on the environment. 1960 अभी तक जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट आ चुका था, डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया। 1960s में एक और नया कंसेप्ट आया, वो आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रखा गया कि भाई जो हमने फैक्ट्रियां लगा दी हैं, तो फैक्ट्रियां लग के जो है ना एनवायरमेंट हो गया है, और एनवायरमेंट का हैवी फूड जो है इम्पैक्ट आपके ह्यूमन बीइंग पे देखने को मिल रहा है, काफी टाइप्स के डिजीज इंक्रीज हो गई है, तो उसी को रोकने की, कहने लगे भी आप ऐसा करो कि जो फैक्ट्रियां बना रहे हैं तो उसमें चिमनियां अच्छी लगाओ, जो उसको क्या करें, जो उससे धुआं निकल रहा है उसको प्योरीफाई करके बाहर निकाला जाए, या जो फैक्ट्रियों से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको अच्छे से प्योरीफाई करके बाहर निकाला जाए, जो सोइल को अनफर्टिल ना कर दे। तो इस तरीके से 1960 में एक और नया कंसेप्ट आया एनवायरनमेंट। तो जब एनवायरनमेंट आप कहेंगे, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम करने में एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखो, तो आपने देखा होगा जब गाड़ी व्हीकल आप गाड़ियां भी लेते हैं, तो गाड़ी पोल्यूशन जो होता है ना, एक प्रकार से पोल्यूशन की स्लिप कटानी होती है, या पोल्यूशन क्यों चेक करना होता है कि भाई हम जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो उनका उपभोग कर रहे हैं, तो हमारे पास गाड़ी ऐसी हो जो पोल्यूशन कंट्रोल करती हो, मतलब पोल्यूशन क्रिएट ना करती हो ज्यादा। तो आपने देखा कुछ पुराने व्हीकल होते हैं जिन जो काफी धुआं देते रहते हैं सड़कों पे, तो वो पोल्यूशन के लिए अब क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा पोल्यूशन चेक किया जाता है, तो पहले तो ऐसे ही इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं है, चेक नहीं किया जाता अब तो, लेकिन सरकार की टर्म एंड कंडीशन कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो अब आप देखेंगे एक इक्विपमेंट जो है ना एग्जस्ट के अंदर डाला जाता है और आपकी गाड़ी को चलाया जाता है, तो गाड़ी को चलाने के लिए बोला जाता है, तो एग्जस्ट से फिर उसको चेक किया जाता है कि वो कितना धुआं निकाल रही है, तो उस पर आपको परमिशन दी जाती है कि आपकी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये कंडीशन ठीक है गाड़ी की, उसके लिए फिर आपको दोबारा से चेकअप के लिए आना होगा। तो ये ऐसे इस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट जो लाए गए हैं वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाए गए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को ध्यान, अब BS6 गाड़ियां आ गई हैं, BS4 से BS6 गाड़ियां, तो एग्जिस्टिंग उनका जो होता है ना, जो CO2 निकालती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकालती है, वो कम निकालते हैं इंजन, है ना, वो कंबशन जो ऑयल का कंबशन करते हैं वो मैक्सिमम कंबशन करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग कम हो। तो ये गाड़ियों में क्वालिटी बढ़ाना, ये क्या है, एनवायरनमेंट का तो इशू है। या फिर जैसे आपके घर पे AC आते हैं, अब AC की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं, भाई आपका जो AC है ना 3-star 5-star, ताकि वो कम मात्रा में क्या लेता हो, बिजली लेता हो, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम हो। और फिर आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे, अभी जो AC आने वाले हैं
उनका जो है ना कि अभी तक तो एसी आपका लोएस्ट 16 पे 17 पे चला जाता है टेम्परेचर, लेकिन अब जो एसी आएंगे उनका 24 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, एक फिक्स कर दिया जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं क्या होता है जब लो टेम्परेचर करते हैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम होती है और एनवायरमेंट में भी हीट ज्यादा कंज्यूम होती है। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर एटमोसफियर में 48 डिग्री सेल्सियस है गर्मियों के अंदर, और उसका आधा भी कम कर रहे हो तो काफी है ना, लेकिन कुछ लोग जल्दी ठंडी करने के चक्कर में क्या है 17 डिग्री कर देते हैं। तो ये चीजें सारी की सारी कहाँ देखने को मिलेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखने को मिलेगी। इट रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिजरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एरलिक इन 1968, एरलिक ने अपनी बुक पब्लिश की जो नेम था उसका द पॉपुलेशन बॉम्ब। तो पॉपुलेशन एक बम है, एक विस्फोट है, और 1968 में, एंड द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ बाय मीडियोज। तो मीडियोज के द्वारा एक बुक्स पब्लिश की गई द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ की भी कोई एक लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रोथ होती रहे। और इसमें क्या कहते हैं, अदर इन 1972 फर्दर रेज्ड द लेवल ऑफ फियर अमोंग एनवायरमेंटलिस्ट इन ए पार्टिकुलरली एंड पीपल इन जनरल। दिस सेट्स द सिनेरियो फॉर अमर्ज ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर ए ब्रॉड फ्रेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो द पॉपुलेशन ऑफ बॉम में और द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ में और 1972 में काफी सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने एनवायरमेंट की तरफ एक कंसर्न करने के लिए कंसिडरेशन रखा गया कि भाई एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखो वरना आने वाले टाइम में हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो तब से एक फ्रेजिज ऐड किया गया आपके डेवलपमेंट में, वो ऐड किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतना कुछ होने के बाद फिर कहने लगे, क्योंकि अब तक तो हम बिजली किससे बना रहे थे, थर्मल पावर प्लांट से बना रहे थे, तो कहने लगे ना भाई अभी थर्मल पावर प्लांट से काफी नुकसान होते हैं एनवायरमेंट को भी और जनरेशन की भी फुलफिलमेंट नहीं होगी, उसकी जगह क्या ले आते हैं, उसकी जगह सोलर पैनल ले आते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो मैंने एक आपको लाइव एग्जाम्पल दे दिया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे तो वहां से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सड़कें बना रहे थे कोयले से सड़कें बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक की सड़कें बनेंगी, जो आपके यहाँ प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करके प्लास्टिक की सड़कें बनाई जाएंगी। तो वो प्लास्टिक की जो सड़कें बनाई जाएंगी वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एक फिर कहते हैं कि भाई जो सड़कें हैं वो कोयले से बनती हैं, उनका जो कलर है ना वो ब्लैक होता है, और ब्लैक जो होता है ना वो काफी हीट अब्जॉर्ब करता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में अगर सड़कें हरी हो जाए, अगर सड़कें हरे कलर की कर दी जाए तो उसके मुकाबले वहां पर हीट कम देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। तो एनवायरमेंट की तरफ ध्यान देते हुए जो हम अल्टरनेट को चेंज करेंगे, कुछ भी अल्टरनेट को जो चेंज करना क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। कंसर्न विद ग्रोथ ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन द एनवायरमेंटल इश्यू, द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश ए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन, जो है नाम था उसका वर्ल्ड कमीशन जो है ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हेड बाय द नॉर्वे प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड। तो ब्रंडलैंड जो यहाँ नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे वो इसके हेड थे। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट्स, इसने अपनी एक रिपोर्ट दी आल्सो नो एज द ब्रंडलैंड रिपोर्ट एंटाइटल्ड अवर कॉमन फ्यूचर। तो जिसका नेम था जो रिपोर्ट का अवर कॉमन फ्यूचर नेम था इन 1987 के अंदर एक जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा जो कॉमन फ्यूचर होने वाला क्या है, कैसा होगा। द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कहा गया वो क्या कहा गया, यहाँ पर जो डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स वो इस टाइम की हमारी जरूरतों को तो पूरा करेगा ही करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, और हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि आने वाली जनरेशन के लिए, जैसे कोयला तो हम खत्म कर चुके हैं बिजली बना बना के, तो आने वाली जनरेशन के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई, अब तुम्हें बिजली कहाँ से देंगे। लेकिन अगर सोलर पैनल लेते हैं हम तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि भी आपके लिए बिजली कहाँ से बनाएंगे, तो कहेंगे काफी मात्रा में डेली जो सन लाइट आएगा तो उससे बन जाएगा आपका। कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, तो उनकी जो जरूरतों को भी पूरा कर देंगे हम। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजी सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम एंड प्लेस।
प्रेजेंट टाइम्स की भी फुलफिलमेंट करेगा। यहाँ पर एक केस स्टडी देख लेते हैं। तो जो केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनल नहर है, जो कमांड एरिया है जो है वो इंदिरा गांधी कैनल प्रीवियसली नो एज द राजस्थान कैनल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल इंडियन से जो है सिस्टम इन इंडिया। कंसीव्ड बाय कन्वर सेन इन 1948 द कैनल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। जो ये कैनल प्रोजेक्ट है 1958 में लॉन्च किया गया था। द कैनल ओरिजिनेट एट हरिके बैरेज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू द पाकिस्तान बॉर्डर एट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट। तो ये जो इंदिरा गांधी कैनल्स जो बनाई गई है ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से आप अगर देखना चाहते तो एक जो पंजाब में दो नदियां आकर मिलती हैं, एक यहाँ से सतलुज नदी और वहां से ब्यास नदी। तो सतलुज और ब्यास नदी जहां मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं हरिके। तो हरिके बैराज है और वहीं से फिर से आगे एक सतलुज चली जाती है, आपकी सिंधु नदी में जाके मिलती है, ठीक है, चेनाब में मिलके फिर सिंधु में मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो हरिके बैराज है यहाँ से कैनल निकाली गई है जो पंजाब से होते हुए राजस्थान को कवर करती है। तो जो राजस्थान के काफी एरिया को कवर करती है। इंडिया की सबसे बड़ी नहर है, तो इंडिया की सबसे बड़ी जो नहर है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनल है। तो ये किस लोकेशन पे कहां तक जाएगी, तो ये यहां से लेकर तो लगभग ये जैसलमेर तक पहुंच जाती है। तो लगभग ये पूरा का पूरा बॉर्डर क्रॉस करती है। तो गांधीनगर मेन कैनल हेड होता है यहां से और ये फिर जैसलमेर तक पहुंच जाती है। तो जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट तक कवर करती है इस एरिया को। तो आप देखेंगे जब ये कैनल्स यहाँ से बनाई गई है तो इरिगेशन का काम करेगी भैया, एग्रीकल्चर एरिया को इरिगेट करेगी। तो जो यहाँ की लैंड है अनफर्टिल लैंड है तो उसको फर्टिल बना देगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इंडिया की सबसे बड़ी जो कैनल होती है, जैसे आपने देखोगे ना रिवर होती है जो अपने आप फ्लो करती है, उसको रिवर्स बोलते हैं। जब वाटर को अपलिफ्ट करके बैरेज बना के पानी को रोक के फिर कहीं ना कहीं नहर बना के पानी निकाला जाता है, मेन फोकस क्या होता है, इरिगेशन होता है। क्या होता है, इरिगेशन होता है, तो उसको बोलते हैं कैनल। तो ऐसे ही इंडिया की सबसे बड़ी जो कैनल है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनल है। तो एक केस स्टडी था और इस केस स्टडी में आप कैनल जो है इंदिरा गांधी कैनल्स को करके लेके आएंगे। आज हम जो लेक्चर में कर चुके हैं डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस था वो कवर कर चुके हैं। और अभी तक आपने इससे पहले जो था प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, इंडिया के अंदर जो प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग जो टू टाइप से थी, नीति आयोग उसकी जगह आ चुका है। फिर डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पॉइंट क्लियर किया और उसी में अब लास्ट में केस स्टडी कवर किया आपने, और वो केस स्टडी है जो आपका इंदिरा गांधी जो है कैनल्स है। तो स्टूडेंट्स आप अभी तक अपनी जो फेयर बुक मेंटेन कर रहे होंगे, साथ के साथ में आप नोट्स बना रहे होंगे, तो उसको बनाते रहिएगा। और आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। और कोई डाउट है तो आप जो टीचर ग्रुप है जो आपका क्लास का ग्रुप है उसमें कुछ पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है। इसी साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।